हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 जुलाई दिन रविवार है, वह हिंदी महीने आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से 14 दिन पहले ही स्थगित हो गया, लेकिन इन 5 दिनों में सरकार ने लिए महत्वपूर्ण फैसले। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि ये सत्र 19 जुलाई तक चलने वाला था, लेकिन अपने तय वक्त से 14 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। इस मानसून सत्र के दौरान मोहन सरकार ने अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया है। इसके अलावा उन्होंने कई फैसले लिए हैं, तो चलिए जानते हैं क्या क्या फैसले हैं। इन 5 दिनों में लिए गए फैसलों के तहत विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों, मंत्रियों, राज्य मंत्री, उपमंत्री एवं संसदीय सचिव को खुद ही इनकम टैक्स भरना होगा। अब इन सभी का इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी। पहले इनकम टैक्स सरकार भरती थी, लेकिन इस विधानसभा सत्र में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा गौवंश की सुरक्षा को लेकर 7 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। वहीं तस्करी करने वाले वाहन को राजसात करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद कुलगुरु के नाम से पुकारा जाएगा, यह भी फैसला विधानसभा में लिया गया है। इसके अलावा खुले बोरवेल या फिर नलकूप के गड्ढों पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। वहीं पान मसाला की दुकानों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी तय की गई है। इस प्रकार मानसून सत्र के इन 5 दिनों में ये फैसले लिए गए हैं। अब मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आगे चालू होता है या नहीं, यह देखना होगा। दोस्तों, CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारी कर्ज में डूबी है मध्य प्रदेश सरकार। CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई है। पहले से मौजूद कर्ज को पटाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को और कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे हालातों को देखकर पूर्व CM कमलनाथ ने वर्तमान सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पर इस समय करीब 4.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यदि प्रति व्यक्ति कर्ज के लिहाज से देखें तो 1 साल पहले मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर 39,000 रुपये का कर्ज था, जो इस वर्ष बढ़कर 45,000 रुपये हो गया है और मार्च 2025 तक यह कर्ज 55,000 रुपया प्रति व्यक्ति हो जाएगा। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। कमलनाथ जी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में इस तरह डुबा दिया गया है कि CAG की रिपोर्ट में भी कर्ज के हालात पर चिंता व्यक्त की गई है। हालत यह हो गई है कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर प्रदेश को दिवालियापन की तरह धकेला जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस पर वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि प्रदेश दिवालिया होने से बच सके। दोस्तों, नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर। रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले के सरकारी स्कूल में एक शराबी शिक्षक टल्ली होकर पहुंचा। यह खबर रीवा जिले के शासकीय प्राथमिक शाला बोदाबाग की है। शहर के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ हेडमास्टर स्कूल के अंदर ही नशे में धुत होकर टाट पट्टी पर लेते नजर आए। शराबी हेडमास्टर का नाम रमाकांत वर्मा है। घटना बीते दिनों की है। हेडमास्टर साहब नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे छात्रों को स्कूल के बाहर भगा दिया और टाट पट्टी पर ही आराम करने लगे। शिक्षक की करतूत से परेशान परिजनों ने हेडमास्टर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। वहीं रीवा कलेक्टर ने हिदायत दी है कि जो शिक्षक शराब पीने के आदि हैं वे शिक्षा विभाग में न रहें, अन्यथा उन पर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हितग्राहियों को कर दिया खुश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 24 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 41 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले 55 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 330 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 450 रुपये प्रति हितग्राही का भुगतान किया गया है, जिसके तहत 55 लाख हितग्राहियों को 330 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना हितग्राहियों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले हितग्राहियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस समय इंटरनेट चार्ज बढ़ा दिया गया है। मोबाइल टैरिफ बढ़ाने को लेकर सरकार ने दी है सफाई। मोबाइल टैरिफ में हालिया 25% तक की वृद्धि ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस कदम की तीखी आलोचना की है।
वहीं सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय मोबाइल सेवाएं अभी भी अन्य देशों की तुलना में सस्ती हैं, इसलिए इस टैरिफ को बढ़ाया गया है। यानी केंद्र सरकार का कहना है कि दूसरे देशों में इंटरनेट का चार्ज बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा अर्थात 25% प्लान में वृद्धि की गई है। लेकिन सरकार को मालूम होना चाहिए कि दूसरे देश हमारे देश से काफ़ी धनी है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है। दूसरे देशों की अपेक्षा भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए टैरिफ प्लान महंगा लग रहा है। दोस्तों, बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा है पत्र। उन्होंने पत्र में छात्रों के लिए की है बड़ी मांग। पत्र में उन्होंने कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले 12 वर्ष से अधिक और 13 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को प्रवेश आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया है और कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष को शिथिल किया जाए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को देखते हुए कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष और कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष रखी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो छात्र इस नियम के आने के पहले ही पिछले 8 साल से लगातार अध्ययनरत हैं और उनकी उम्र 13 साल से कुछ महीने कम है, तो उन्हें उम्र के बंधन के कारण कक्षा 9वीं में प्रवेश न देना गलत होगा। इसलिए 13 वर्ष की उम्र को थोड़ी शिथिल किया जाए ताकि 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दिक्कत न हो। मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों छात्र हैं जो इस बार उम्र की बाध्यता के चलते परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनके जीवन का एक वर्ष खराब हो जाएगा। शर्मा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री उनके पत्र पर संज्ञान ले ताकि बच्चों का एक वर्ष खराब न हो सके। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कर दिया है। राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस अनूठे कार्यक्रम को देश भर में चलाया जा रहा है और हम सब इसमें अपनी तरफ से भरपूर योगदान देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। आज बदलते दौर में वृक्षों का महत्व बढ़ गया है, इसलिए हमने आज इस अभियान की शुरुआत की है। अब मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधे लगेंगे, इंदौर में 51 लाख और जबलपुर में 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये सभी पौधे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस अभियान के तहत इस मानसून सत्र में हम भी अपने घर में या अपने खेत में एक पेड़ लगाएं। मैंने भी अपने घर के आंगन में एक नीम का पेड़ लगाया है, आप भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।